हीरो 1983 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन सुभाष काय ने किया है। जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी सिसोदिया अभिनीत यह श्रॉफ की मुख्य भूमिका पहली फिल्म थी। इसके संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे। रिलीज होने पर बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकमास्टर साबित हुई और श्रॉफ को एक प्रमुख बॉलीवुड अभिनेता के रूप में स्थापित किया गया। इसे 1980 के दशक में क्षेत्रीय भाषा तेलुगु और कन्नड़ा में बनाया गया था और 2015 में इसी शीर्षक के साथ बॉलीवुड में भी बनाया गया था। एक तमिल रीमेक की योजना बनाई गई थी लेकिन बाद में इसे छोड़ दिया गया था। फिल्म की शुरुआत पासा को जेल ले जाने से होती है। इस तरह से बाहर निकलने के लिए वह अपने सबसे अच्छे आदमी जेकी को लिखता है। जेकी पुलिस कमिश्नर श्रीकांत मथुर के पास जाता है और उसे चेतावनी देता है। फिर वह श्रीकांत की बेटी राधा का अपहरण कर लेता है। वह उसे बताता है कि वह एक पुलिस अधिकारी है और वे प्यार में पड़ जाते हैं। हालांकि उसे पता चलता है कि वह एक गैंगस्टर है लेकिन वह उसे नहीं छोड़ती है और उससे आत्मसमर्पण करने का आग्रह करती है। सच्चे प्यार से परिवर्तित जैकी ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और 2 सालों के लिए जेल में बंद हो गया है। घर वापस आकर राधा अपने भाई दामोदर को सच्चाई बताती है। राधा को किसी और से शादी करने से रोकने के लिए वह अपने दोस्त जिमी को यह दिखाने के लिए बुलाता है कि राधा और जिमी एक दूसरे से प्यार करते हैं। जिमी स्थिति को गलत समझता है और राधा से प्यार करने लगता है। जब जैकी वापस आता है तो वह एक गैरेज में काम करना शुरू कर देता है और खुद को सुधारने की कोशिश करता है। सब कुछ के बावजूद श्रीकांत उसे अपने जीवन से बाहर निकाल देता है। कई दिनों और उसके बाद की घटनाओं के बाद दामोदर को पता चला है कि जिमी एक ड्रग तस्करा है। जेल से छूटने के बाद पासा श्रीकांत और जैकी दोनों से बदला लेना चाहता है, इसलिए वह राधा, श्रीकांत और दामोदर का अपहरण कर लेता है। जैकी अंतिम शरण में आता है और उन सभी को मुक्त कर देता है। अंत में श्रीकांत राधा को जैकी से शादी कराने ले जाता है।